नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 4 साल आज पूरे हो गए हैं और ये 4 साल कैसे रहे इसको देश की जनता ने भुगता है। 4 साल को अगर हम लोग देश के विकास की दृष्टि से देखें, देश की उन्नति की दृष्टि से देखें, तो 4 सालों में देश कंगाल हुआ है, तो मोदी जी के 4 साल और देश हो गया है कंगाल। ये मानना है आम आदमी पार्टी का, क्योंकि जितने फैसले इस सरकार ने किए वो एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे जन विरोधी फैसले किए, और जो कुछ भी वादे इन्होंने अपने चुनाव में किए, एक भी वादा जमीन पर पूरा करने का काम नहीं किया। कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे युवाओं को, देश का युवा रोजगार खोज रहा है। कहा था किसान को फसल का 1.5 गुना दाम देंगे, किसान आज तक 1.5 गुना दाम के लिए तरस रहा है। 1.5 गुना दाम तो छोड़िए, 2 रुपए किलो, 1 रुपए किलो उसको अपना लहसुन बेचना पड़ रहा है मंदसौर की मंडी में, और वहां पर उसको अपनी जान गंवानी पड़ रही है। उसके आलू सड़ जाते हैं, सड़कों पर फेंक कर चला जाता है, उसको बदले में मौत मिल रही है। 1.5 गुना दाम तो बहुत दूर की बात है, दाम मांगने जाता है तो उसको गोली मिलती है। कहा था 15 लाख रुपए हर खाते में देंगे, नोटबंदी लागू करके जो कुछ भी घर में था वो भी जमा करा दिया। कहा कि महिलाओं को सुरक्षा देंगे, ये सरकार महिला सुरक्षा के नाम पर 15 पैसे प्रतिदिन एक महिला की सुरक्षा पर खर्च करती है, अपने बजट में प्रावधान किया है। तो हर वर्ग को दुखी करने का काम, हर वर्ग को निराश करने का काम, और 4 सालों में इस देश की जनता को कंगाल करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। हां, खुश कौन हुए, विकास किसका हुआ, उन्नति किसकी हुई, तरक्की किसकी हुई, अगर इसका हम आकलन करेंगे तो निश्चित रूप से देश के चंद उद्योगपतियों की चांदी है इस राज के अंदर। अडानी हो, अंबानी हो, बड़े बड़े पूंजीपति हो, लाखों करोड़ रुपए का कर्जा जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे का लेकर लूट कर हिंदुस्तान छोड़कर एक के बाद दूसरा पूंजीपति भाग रहा है, और मोदी जी की सरकार असहाय उनके सामने खड़ी हुई है। नीरव मोदी के बारे में हम सारे लोग जानते हैं, 21,000 करोड़ रुपए देश का लूट कर चला गया। ललित मोदी के बारे में जानते हैं, 1,000 करोड़ लूट कर विदेश में बैठा हुआ है। विजय माल्या 9,000 करोड़ रुपए का कर्जा लेकर विदेश में ऐसो आराम की जिंदगी बिता रहा है, तो मोदी जी की सरकार कहती है 9,000 का कर्जा लोगे तो कालर पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा, और 9,000 करोड़ का कर्जा लोगे तो तुमको लंदन में पहुंचा दिया जाएगा, जहाज से भेजा जाएगा, और 21,000 करोड़ का लोगे तो बगल में फोटो भी खिंचवाने का मौका नरेंद्र मोदी जी आपको देंगे। ये सरकार का संदेश है। तो जन विरोधी सरकार, एक 4 सालों में जनता को निराश करने वाली सरकार, महंगाई की मार रोकने की बात ये सरकार कहती थी, GST का विरोध करती थी, रिटेल में FDI का विरोध करती थी, आधार कार्ड का विरोध करती थी, जिन जिन नीतियों का विरोध आपने UPA सरकार में किया उन्हीं सारी नीतियों को आपने लागू कर दिया। आपने GST का विरोध किया, आपने GST लागू कर दी। आपने कहा रिटेल में FDI नहीं होनी चाहिए, 100% आप रिटेल में FDI लेकर आ गए। आपने आधार कार्ड का विरोध किया, आधार कार्ड के लिए आपकी सरकार दिन रात इस बात पर लगी हुई है कि कैसे आधार कार्ड का नियम सारी व्यवस्था में लागू हो जाए। तो जो जो फैसले आपने पिछले 4 वर्षों में लिए हैं वो जनता के, इस देश के हितों के विपरीत हैं, और देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने वाले फैसले हैं, देश की अर्थव्यवस्था को गर्त में पहुंचाने वाले फैसले हैं, और जिसके कारण इस समय पूरा देश रो रहा है वो है पेट्रोल और डीजल का दाम। 85 रुपए लीटर पेट्रोल और 75 रुपए लीटर डीजल इस देश के अंदर बिक रहा है, जिसकी कल्पना भी मेरे ख्याल से किसी ने नहीं की होगी। और उसके बारे में तर्क ये दिया जाता है कि क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के साथ लिंक है डीजल और पेट्रोल का दाम,
इसलिए डीजल और पेट्रोल का दाम जब जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बढ़ता और घटता है उसके हिसाब से हिंदुस्तान के अंदर बढ़ता और घटता है, जबकि ये बात पूरी तरह से झूठ और गलत है। एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा, पिछले 20 दिनों तक कर्नाटक में जब तक चुनाव रहा तब तक डीजल और पेट्रोल के दाम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और जैसे ही कर्नाटक का चुनाव खत्म हो जाता है वैसे ही डीजल का दाम दो रुपए के करीब डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया जाता है। तो इसका मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट वाली दलील कि उससे जुड़ा हुआ है डीजल पेट्रोल का दाम, ये पूरी तरीके से गलत है। बल्कि एक राजनीतिक इच्छा शक्ति सरकार में नहीं है, एक महंगाई रोकने की सोच और पहल इस सरकार के अंदर नहीं है। इसीलिए 2014 मई के अंदर जो देश में एक्साइज ड्यूटी थी 9 रुपए थी पेट्रोल के ऊपर, वो अभी बढ़कर 19 रुपए 48 पैसे पेट्रोल के ऊपर पर लीटर एक्साइज ड्यूटी हो गई है। लगभग 211% पेट्रोल में एक्साइज ड्यूटी की बढ़ोतरी सरकार ने की है। इसी प्रकार से 2014 में डीजल की जो एक्साइज ड्यूटी थी वो 3.46 पैसे पर लीटर थी, वो बढ़कर मई 2018 में 15 रुपए 33 पैसे पर लीटर हो गई, यानी डीजल के ऊपर लगभग 450% आपने एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी की है। 2014 की तुलना में इस सरकार ने 211% बढ़ोतरी पेट्रोल के दामों पर एक्साइज ड्यूटी में की है, और इसी तरीके से लगभग 450% एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी डीजल के दाम पे की है। इसीलिए आप देखिए, हम हर बात में पड़ोसियों से संघर्ष करने की, लड़ने की, उनसे आगे जाने की बात करते हैं, निश्चित रूप से पेट्रोल और डीजल के दाम में भी हम लोग अपने पड़ोसी देशों से बहुत आगे निकल चुके हैं, और पाकिस्तान में पेट्रोल का दाम 51 रुपए पर लीटर है, अफगानिस्तान में पेट्रोल का दाम 47 रुपए पर लीटर है, नेपाल में पेट्रोल का दाम 68 रुपए प्रति लीटर है, बांग्लादेश में पेट्रोल का दाम 69 रुपए पर लीटर है, बर्मा में पेट्रोल का दाम 43 रुपए पर लीटर है, थाईलैंड में पेट्रोल का दाम 59 रुपए पर लीटर है, श्रीलंका में पेट्रोल का दाम 59 रुपए पर लीटर है। तो बगल के देशों में पेट्रोल का दाम जहां 50 रुपए 59 रुपए 60 रुपए 68 रुपए पर लीटर है, वहीं हिंदुस्तान के अंदर 85 रुपए पर लीटर पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है। इसका मतलब सरकार की गलत नीतियों के कारण और टैक्स के ऊपर टैक्स की जो इनकी नीति है कि टैक्स लगाकर जनता की गाढ़ी कमाई पर लूट करके देश की अर्थव्यवस्था चलाने की जो सोच है उसके कारण से महंगाई बढ़ रही है। और जब डीजल का दाम बढ़ेगा, जब पेट्रोल का दाम बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से उसका असर महंगाई के ऊपर भी पड़ेगा। डीजल का दाम बढ़ने से तो किसानी महंगी हो जाती है, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है, और सभी चीजों पर, सब्जी हो, कोई भी सामान हो, उसके ऊपर इसका असर साफ तौर पर महंगाई के रूप में देखने के लिए मिलता है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि मोदी जी और उनकी पार्टी और उनके उनके सरकार के मंत्री भले ही फिटनेस की बात करके देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन वाकई 4 सालों में फिटनेस नहीं बल्कि ये देश इलनेस से गुजर रहा है, बीमारी से गुजर रहा है। उस बीमारी से इस देश को निकालने के लिए मोदी सरकार से छुटकारा पाना जरूरी है, इसकी महंगाई से, इस सरकार की नीतियों से छुटकारा पाना जरूरी है, और 2019 में इसका जवाब इस सरकार को, इस देश की जनता देगी। क्योंकि आप जब भी महंगाई का सवाल खड़ा करते हैं, किसानों के फसल का दाम के मुद्दे को जब आप खड़ा करते हैं, बेरोजगारी के मुद्दे को जब आप खड़ा करते हैं, जब महिला के सुरक्षा का सवाल आप खड़ा करते हैं, तो कहा जाता है जोर जोर से भारत माता की जय लगाओ। अरे भारत माता की जय तो तब होगी जब ये देश खुशहाल होगा, जब इस देश के लोग खुशहाल होंगे, महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी, महंगाई कम होगी, आम आदमी की जिंदगी में सुधार होगा, तब तो भारत माता की जय होगी। आप कोई भी सवाल इस सरकार के खिलाफ उठाइए, ये तुरंत भारत माता की जय, वंदे मातरम, मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान,
ताजमहल, गाय, गोबर, बकरी, तमाम फालतू के एंटी रोमियो लव जिहाद जैसे तमाम मुद्दों पर आपको उलझा देते हैं, फंसा देते हैं। ये एक सोची समझी साजिश के तहत होता है कि इस देश के अंदर कभी भी जो जनता के बुनियादी सवाल हैं उन सवालों पर बात ना होने पाए, इसलिए ये नकली सवाल हमेशा लेकर आ जाते हैं। तो इस देश को अगर जनता के वास्तविक मुद्दों पर लेकर आना है तो निश्चित रूप से वो नीतियां अपनानी पड़ेगी जो नीतियां अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अपनाया है। दिल्ली की जनता की जिंदगी को सुलभ किया है, उसकी जिंदगी को जीने लायक बनाया है, महंगाई को कम करने का काम किया है और उसकी जेब से जो कटौती हो रही थी उसको रोकने का काम किया है। हमने बिजली का दाम आधा किया, हमने पानी मुफ्त किया, हमने शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में अनुकरणीय काम करके दिखाया और बावजूद इसके हमने दिल्ली का बजट हर साल बढ़ाने का काम किया है। दिल्ली की सरकार हिंदुस्तान की मात्र एक ऐसी सरकार है जो मुनाफे का बजट देती है, घाटे का बजट नहीं देती। तो आप सबका धन्यवाद।